नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय नूरेश गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो ये देखिए मेरा हिबिस्कस प्लांट है, ये पिंक वाला हिबिस्कस है। तो आज मैं आपको सर्दियों में इनकी जो पत्तियां येलो हो गई है तो इनको हम ठीक कैसे करें और प्लांट को हमें किस तरह रखना चाहिए ताकि हमारा प्लांट ख़राब ना हो, मरे नहीं और अच्छी सी ग्रोथ करे और फ्लावरिंग भी करे, तो उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए येलो लीफ आपको दिख रही है, तो ऐसा क्यों हुआ है और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बताऊँ तो ये देखिए यह समस्या आती है सर्दियों में, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है इस तरह से कीड़े जैसा लगता है और वो धीरे धीरे हमारे पौधे को ख़त्म करता है। देखिए तो इस तरह से, हो सके तो आपको एकाध दो दिखे तो इनको हटा दीजिए हाथ से, अगर ज़्यादा है तो वो पूरी डाली आप काट दीजिए, क्योंकि क्या होगा कि वो पूरे जो ये हमारे प्लांट होते उनका जो न्यूट्रिशन है वो ही खा जाते हैं और हमारा पौधा वहाँ से ऊपर से सूखना हो स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए आपको ये काम करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि देखिए मेरा पौधा है तो अभी पूरा मतलब येलो लीफ आपको दिख रही, तो इनमें क्या किया मैंने अभी दो दिन पहले ही किया पर मैं भूल गया वीडियो बनाना। इसमें अच्छे से गुड़ाई करके लगभग 3 इंच मिट्टी मैंने इसकी निकाल दी, इतनी मिट्टी निकाल के इसमें गोबर की खाद डाली, लगभग 3-4 मुट्ठी भर के गोबर की खाद डाली, साथ में DAP के दाने और मिक्स करके मैंने इसमें दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारी पत्तियाँ येल्लो हो जाती है उसमें उसके लिए हमें क्या है कि नाइट्रोजन विश फर्टिलाइज़र हमें देना है, तो गोबर की खाद जो हमारी होती है बहुत ही अच्छी और बेस्ट ऑर्गेनिक खाद है, तो उससे हमारे प्लांट की जो पत्तियां है उनका कलर चेंज होने लगता है और वापस से हमारा पौधा हरा भरा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो दो दिन में थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा फर्क। यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर की साइड अभी येलो आपको कितनी ज़्यादा दिख रही है। तो ये काम मैंने किया कि इसमें से 2 इंच जितनी मिट्टी निकाली, उसके बाद गोबर की खाद डाल के मिट्टी थोड़ी ऊपर डाल के उसके बाद पूरा मिक्स कर दिया और गोबर की खाद में मैंने एक चम्मच के आसपास मैंने इसमें DAP के दाने डाले थे, तो इसमें क्या है उसके फ्लावरिंग के लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी प्लांट को, गोबर की खाद धीरे धीरे इसको असर करेगी पर DAP है वो थोड़ा फास्ट है, तो दोनों मिक्स करके डाला है इसीलिए पौधा हमारा अच्छा रहेगा। और अब मैं क्या करूँगा, अभी थोड़े टाइम बाद 4-5 दिन बाद ये जो ऊपर की जो ब्रांचेस है ऐसे सूखी सूखी यहाँ से, तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूँगा अभी इस टाइम, तो अभी नहीं करूँगा तुरंत फर्टिलाइजर, अभी 4-5 दिन बाद मुझे लगे दिखेगा इसमें फ़र्क ज़्यादा तब मैं इसमें, तो इनमें मैं क्या है सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूँगा, ये ब्रांच सारी काट दूँगा। इससे क्या होगा कि नई जो ब्रांच होगी अच्छी ग्रोथ होगी और ज़्यादा ब्रांच की वजह से इसको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा और पूरा हटा दूँगा ऐसे। तो ये काम हमें करना है। और जो मैंने इससे पहले 1-1.5 महीने पहले एक प्लांट की कंडीशन इससे भी ख़राब हो गई थी उस पर मैंने किया था इस्तेमाल, आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर किया था, वो प्लांट आपको दिखाता हूँ कि आज कैसा है वो प्लांट, उसकी ग्रोथ आप देखिए। तो इसकी प्लांट की ग्रोथ में क्या फ़र्क पड़ता है वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा जब 15-20 दिन हो जाएंगे, इसकी अपडेट दूँगा। अब जो पहले वाला प्लांट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पर है दूसरा प्लांट, आप देख सकते हो इस प्लांट की पत्तियों का कलर, आप देख सकते हो कलर देख के आपको पता चलेगा कि पौधे की ग्रोथ कैसी चल रही है। ये देखिए थोड़ा बहुत मिलीबग का अटैक हो रहा है और मैं हाथ से इसे हटा दूंगा। ये देखिए बाकी पौधे में कलियां भी आना स्टार्ट हो गई है, आप देखिए ये सब नई ब्रांच निकली है और सब में कलियां आ रही है। तो गोबर के खाद हम देते हैं वो पौधों के लिए बहुत ही अच्छी है, इनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और पत्तियों का कलर एकदम डार्क ग्रीन हो जाता है, अगर येलो पत्तियाँ हो रही तो कि इसका कलर एकदम ग्रीन हो जाएगा। और एक इसमें देख सकते हो आप, तो इनमें क्या है कि मैं रोज़ रोज मतलब हफ्ते में गुड़ाई नहीं करता हूँ, महीने में एक बार गुड़ाई कर देता हूँ और गोबर की खाद दी थी उसके बाद मैंने 15 दिन बाद इसमें और फिर से DAP के दाने डाले थे 10-15 दाने। ये गमला मेरा 12 इंच का गमला है आप देख सकते हो और सीमेंट पॉट में लगा हुआ है, जब से लगाया तब से ऐसे ही लगा हुआ पौधा है, मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि हिबिस्कस प्लांट को इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग चाहिए नहीं। अगर आपको लग रहा है कि रूट बाउंड हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपको गमला आपको छोटा है और रूट बाउंड हो रहा है तो आप इनको निकालिए, नहीं तो क्या कीजिए ऊपर की मिट्टी है वो निकाल के पौधे की मिट्टी नई भर दीजिए ऊपर, बस बहुत हो गया। इन प्लांट को आप बार बार रिपोर्ट करोगे, बड़ा गमला दोगे तो ये पौधा है
वो क्या शौक में चला जाता है, और कभी कभी पौधे ख़राब होने के कारण भी यही होते हैं कि हम उसकी बार बार रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। ये देखिए अभी क्या है कि हमारे घर में जो भी फ्रूट लाते हैं, मतलब केला है, उनके जो छिलके होते हैं वो मैं भिगो देता हूँ, और जो लिक्विड 2-3 बाद बन जाता है, 2-3 दिन बाद बन जाता है, वो लिक्विड में मैं लगभग 1 लीटर लिक्विड हो तो 4-5 लीटर पानी डाल के सभी मेरे जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा। और ज़्यादातर मैं अपने गार्डन में गोबर की खाद का इस्तेमाल करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट मैं इतना ज़्यादा बनाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। किचन वेस्ट का इस्तेमाल कभी कभी मैं जो इनके छिलके आते हैं किचन के, जो सब्जियों के छिलके होते हैं, वो मैं ऐसे ही जब प्लांट लगाता हूँ तो नीचे डाल देता हूँ। बाकी मैं किचन वेस्ट जल्दी इतना बनाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता जॉब की वजह से। और क्या है कि किचन वेस्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, और सब्जियों के छिलके भी ज़्यादा चाहिए, या फिर पत्तियों की खाद बना रहे हो तो पत्तियाँ तो मेरे पास ढेरों रहती है, पर मेरे पास गोबर की खाद अवेलेबल रहती है बहुत ही ज़्यादा। हमारे यहाँ गांव में रहते हैं तो गोबर खाद इजीली मिल जाती है, तो मैं उन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छी सी सड़ी हुई 1-1.5 साल पुरानी खाद हो, वही मैं हमारे पौधों में इस्तेमाल करता हूँ। तो ये देखिए गोबर की खाद का बीजा, और DAP और यूरिया तो मैं कभी कभी लगभग 1-1.5 महीने में एक आध बार थोड़े दाने डाल देता हूँ, क्योंकि हमारे पौधे को दोनों तरह की खाद हमें देनी चाहिए। खाली ऑर्गेनिक पे हम रखेंगे तो कभी क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनिक ना हो और हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहें तो कभी कभी हमारा पौधा शॉक में भी चला जाता है। तो इसीलिए हमें दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले आप DAP यूरिया कम डाल तो यूज़ करें, पर थोड़ा सा अपने गार्डन में ज़रूर यूज़ करें। तो आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और इस पौधे को ऐसी जगह पे प्लेस कीजिएगा जहाँ इनको कम से कम 4-5 घंटे की धूप मिले, क्योंकि अगर शेड में रखा हुआ पौधा होगा तो खाली ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।